हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से दिसंबर क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको स्टैंड अलोन फिनांशियल रिजल्ट शो कर रहा है, करोड़ में नंबर्स दिए गए। इनकम 4144 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4032 करोड़ था। दिसंबर 21 क्वार्टर में 2468 करोड़ का इनकम था। कंपनी का इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट कंपनी का 278 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर 416 करोड़ था। दिसंबर 21 क्वार्टर 308 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट में गिरावट आई, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर, दोनों में गिरावट देखने को मिला है। EPS 3.98 रुपीज़ का, पिछले क्वार्टर पिछले साल के कंपेयर में गिरावट देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं गाइस, कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे जो रिजल्ट है उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट में गिरावट आने का रीजन रहा है गाइस एक्सपेंसेस, जो कि यहाँ पे एक्सपेंसेस जो हुआ है 3755 करोड़ का, पिछले क्वार्टर और पिछले साल के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस हुआ, जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट्स में गिरावट आया है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट एवरेज देखने को मिला, क्योंकि इनकम तो ग्रोथ हो रहा है बट प्रॉफिट में गिरावट आ रही है। अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करें, नंबर्स करोड़ में दिए गए। इनकम 4144 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 3973 करोड़ था। दिसंबर 21 क्वार्टर में 2468 करोड़ का इनकम था। कंपनी का इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिला है। प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पे देखेंगे, एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस 3755 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 3489 करोड़ और दिसंबर 21 क्वार्टर में 2055 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। कंपनी का एक्सपेंसेस इनकम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इसके वजह से प्रॉफिट्स में गिरावट आई है, जो कि इस बार का प्रॉफिट 334 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 426 करोड़ और दिसंबर 21 क्वार्टर में 374 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट आया, जो कि प्रॉफिट लगातार गिरावट आ रही है। EPS में अगर देखिएगा तो 4.77 रुपीज़ का, पिछले क्वार्टर पिछले साल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो गाइस, कंपनी उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं कर पाई, क्योंकि प्रॉफिट लगातार गिरावट आ रही है। इनकम में भले ही ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट्स में गिरावट आ रहा है। तो गाइस, अब हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।